स्वागत करती हूँ। चलिए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। खातेगांव तहसील में ग्राम अजनास से लेकर खुड़गांव होते हुए बागदी संगम बाबा काल भैरव की तपस्या स्थली पर विश्व की सबसे लंबी चुनरी यात्रा निकली, जो कि सिंगल पीस में बनी हुई चुनरी को लेकर 1500 लोगों ने मां नर्मदा को अर्पण किया और बाबा काल भैरव का जय जयकार करते हुए यात्रा निकाली। और यात्रा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी माघ मास शुक्ल पक्ष सप्तमी को सुबह निकाली, दोपहर बाद मां नर्मदा को अर्पण की गई। इस यात्रा की विशेषता रही, विश्व की एकमात्र ऐसी यात्रा है इसमें चुनरी पकड़कर करीब 20 किलोमीटर लंबा चला जाता है, जिसके अंदर करीब 95 साल की बुजुर्ग महिला कमलाबाई ने भी पैदल चलकर रिकॉर्ड बनाया। युक्त चुनरी में सैकड़ों भक्तजन शामिल हुए। प्रयत्न पंचोली ने बताया इस यात्रा के संयोजक डालचंद जाट और प्रभारी अनिल जी जायसवाल थे। विशाल भंडारा बागदी संगम में रखा गया था। यात्रा इसी तरह हर वर्ष माघ मास शुक्ल पक्ष सप्तमी को निकाली जाएगी। है इस क्षेत्र की सब समस्या हल हो, हमारे किसान भाइयों को जो समस्या है वो दूर हो, लोगों को रोजगार मिले और हमारे क्षेत्र की जनता सुखी रहे, इसलिए प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी माघ शुक्ल पक्ष सप्तमी को माँ नर्मदा की 231 फीट लंबी चुनरी महाराज जी के सानिध्य में, प्रकाशानंद जी महाराज जी के सानिध्य में, शास्त्री जी के सानिध्य में संपन्न हुई है। और मैं चाहता हूँ ये इसी तरह चलती रहे, हम सब मिलकर आते रहें। मैं यहाँ के सभी भक्तों से निवेदन करना चाहूँगा कि ये प्रतिवर्ष इसी तरह चलती रहेगी, आप हर साल इसी तरह आते रहें और माँ नर्मदा का इसी तरह गुणगान करके उनकी भक्ति पूजन करते रहें। ये थी आज की कुछ खबरें। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।